सबसे पहले तो आषाढ़ी एकादशी की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आज यहां पे मेरे हाथों से विठ्ठल रुक्मिणी का अभिषेक हुआ है, पूजा हुई है। विठ्ठल के चरणों में मैंने प्रार्थना की है कि देश के हर एक नागरिक को सुख मिले, उसको समृद्धि मिले। महाराष्ट्र में देर से बारिश शुरू हुई है, किसानों को कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए किसानों के ऊपर आशीर्वाद विठ्ठल रुक्मिणी का बना रहे, इसलिए भगवान के चरणों में मैंने प्रार्थना की है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे विठ्ठल रुक्मिणी का जो बिरला मंदिर है शहाड़ का, इनके वेबसाइट का भी आज ओपनिंग मेरे हाथों से हुआ है। आज जैसे हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर हो, तिरुपति मंदिर हो, इनका ऑनलाइन दर्शन कहाँ से भी ले सकते हैं, आज शहाड़ का मंदिर भी विश्व में कहाँ से भी इस मंदिर का विठ्ठल रुक्मिणी का दर्शन लेने की सुविधा प्रशासन ने की है, इसलिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसे मैंने कहा, एक समर्पण कैसे होता है, कहीं पे बिजनेस करना और बिजनेस करते समय भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखना, इसके लिए जो कोशिश बिरला ग्रुप कर रहा है वो एक निश्चित तौर पर उनका तारीफ करने जैसा है। और इसलिए मैंने मराठी न्यूज चैनल को बाइट देते समय भी कहा, ये शहाड़ में विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर है लेकिन इसको बिरला मंदिर ही कहा जाता है। ये समर्पण जो भगवान के प्रति भक्त का होता है ये इससे प्रतीत होता है, इच्छित तौर पर विठ्ठल रुक्मिणी के आशीर्वाद से। ऐसे ही इनका जो कंपनी का काम है वो आगे भी फैलता रहे, लोगों को और रोजगार उनके माध्यम से मिलता रहे, इसलिए विठ्ठल रुक्मिणी भी उनको आशीर्वाद देगी, ऐसा विश्वास यहाँ पे मैं व्यक्त करता हूँ।